एक्टर संतोष पाटिल की खुदकुशी का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। संतोष के भाई प्रशांत पाटिल की शिकायत पर राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इधर मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई ने इस मामले में जांच का भरोसा देते हुए कहा है कि सच्चाई सामने आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी का सच सामने आएगा, मामले की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि के एस ईश्वरप्पा ने इस्तीफे के बारे में क्या कहा ये पता नहीं है, उनसे फोन पर बातचीत करने के बाद ही साफ हो पाएगा, फिलहाल मामले की सारी जानकारी वो ले रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईश्वरप्पा के इस्तीफे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। इसके साथ ही मंत्री के एस ईश्वरप्पा को हटाने की मांग भी की। बता दें कि ये जो पूरा मामला था इसमें मंत्री ईश्वरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए गए और खुदकुशी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने जो कहा था उसके तहत 40% करीब जो है रकम मांगी गई थी काम करवाने को लेकर मंत्री की तरफ से, और बुरे फंसने के बावजूद भी मंत्री ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और इस मामले की गूंज जब कर्नाटक से निकलकर दिल्ली तक भी पहुंची है, चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में आरोप सीधे सीधे मंत्री के ऊपर लगे और अब तक इस्तीफा हुआ नहीं है, जबकि केस भी दर्ज हो गया है धारा 306 के तहत। तो उत्तराखंड